evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be discussing or talking about MSc class 1 and MSc class 2. पिछले सेशन में हम लोग देखे कि व्हाट इज एमएससी क्या है, मेनली रूप से उसका फंक्शंस क्या है, उसका टाइप क्या है और क्लासेस मेनली रूप से, और उसका मेनली रूप से हिस्ट्री देखे कि इसको जो है सो अध्ययन कौन किया। तो ये सब पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि एमएससी क्लास 1 और एमएससी फर्स्ट। तो अब बिना लेट किए हुए हम लोग मुख्य सेशन की तरफ चलते हैं और डिटेल में एमएससी फर्स्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एमएससी फर्स्ट के बारे में देखते हैं। इसका जो हम लोग क्लास देखे थे कि एमएससी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 और 4 होता है, लेकिन मेनली रूप से हम लोग एमएससी क्लास 2 के 1 और 2 के बारे में देखेंगे, क्योंकि एमएससी 1 और 2 का ही मेनली रूप से इम्यूनिटी में या इम्यून सिस्टम में या एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम में जो है इसका आपका इम्पोर्टेंट रोल होता है एंड आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो एमएससी फर्स्ट आर वन ऑफ द टू प्राइमरी क्लासेस ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल। एमएससी मॉलिक्यूल्स के दो क्लासेस में फर्स्ट क्लास जो है आपका एमएससी क्लास 1 है। इट इज फाउंड ऑन द सेल सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल। या एमएससी फर्स्ट जो है ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के आउटर सरफेस पर यह पाया जाता है, बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के जितने भी आपका न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वो सब पर आपका एमएससी फर्स्ट आपका जो सेल सरफेस आपका रिसेप्टर्स हैं वो आपका पाया जाता है। दे ऑल्सो अकर ऑन प्लेटलेट्स बट नॉट ऑन आरबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये जो है आपका थ्री टाइप्स ऑफ ये आपका ब्लड सेल्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स जो रक्त के थक्का बनने में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ये भी एक सेल है, तो इस पर भी यह पाया जाता है। बट नॉट ऑन आरबीसी। आरबीसी जो है आपका रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो आपका मैच्योर आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब आपका न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो इसलिए इस पर जो है यह आपका अब्सेंट होता है। आरबीसी के सेल सरफेस पर एमएससी अब्सेंट होता है क्योंकि यह इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है या इन्यूक्लिएटेड होता है। और यहाँ पर है लेकिन कि ये आपका न्यूक्लिएटेड सेल्स पर पाया जाता है, इसलिए आपका आरबीसी पर यह अब्सेंट होता है और प्लेटलेट्स पर प्रेजेंट होता है। तो ये आपका एमएससी के बारे में ये है। और आगे देखते हैं एमएससी के बारे में ये हुआ। तो एमएससी के बारे में नेक्स्ट और पॉइंट कि दियर फंक्शंस इज टू डिस्प्ले पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम विच द सेल्स ऑफ टीसी सेल्स। ये जो है आपका जो भी पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल्स हैं एंटीजेंस का, वो आपका छोटे छोटे टुकड़ों में डिग्रेड कर आपका एमएचसी आउटर सरफेस के द्वारा उसे टू शोकेस की तरह काम करता है फॉर आपका टीसी सेल्स के लिए। एमएचसी जो है मेनली रूप से टीसी सेल्स के लिए, माने आपका टी लिम्फोइड्स सेल्स जो होते हैं, टी सेल्स जो होते हैं, क्योंकि एमएससी ओनली रिकॉग्निशन ऑफ टी सेल्स। और टी सेल्स मेनली टू टाइप्स, टीएच टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो ये जो है एमएससी वन जो है आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स को आपका शो करता है एमएससी वन, और टी सी सेल्स मतलब साइटोटॉक्सिक सेल्स में आपका को रिसेप्टर्स के रूप में
आपका सीडी 8 प्लस होते हैं और ये जो है आपका मेन्यू उसी उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, एमएससी फर्स्ट और टीसी सेल्स प्लस सीडी 8 के रूप में होता है। प्रेजेंटेशन इज ऑफन कॉल्ड साइटोसोलिक और इंडोजीनस पाथवे, या मेनली रूप से जो है इंडोजीनस डीप पाथवे को आपका शो करता है और एमएससी जो है आपका एक्सोजीनस पाथवे को शो करता है। इनफैक्ट विद टीसी सेल्स वीजी सीडी 8 प्लस सेल्स आपका जो या इंटैक्ट विद द या मेनली रूप से टीसी सेल्स के जिसमें आपका को रिसिप्टर्स के रूप में सीडी 8 प्लस होता है उसके साथ वह आपका इंटैक्ट करता है। तो ये आपका एमएचसी के बारे में ये मेनली रूप से है। और नेक्स्ट आगे हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी फर्स्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी फर्स्ट में यह कह रहा है मेनली रूप से कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि वह प्रोटीन की बनी होती है तो आपका पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड से बना होता है चेन, नेमली अल्फा एंड बी टू माइक्रोग्लोबुलिन, या मेनली रूप से टू हेटरोडाइमर्स माने टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक अल्फा और दूसरा बी टू माइक्रोग्लोबुलिन से वह आपका बना होता है। अल्फा चेन विजिज नॉन कोवेलेंटली अटैच विथ बी टू माइक्रोग्लोबुलिन, अल्फा जो चेन होते हैं आपका नॉन कोवेलेंटली आपका बी टू माइक्रोग्लोबुलिन से वह अटैच होता है। अल्फा चेन कंटेन ए ट्रांस मेम्ब्रेन, सिर्फ अल्फा चेन जो है क्योंकि वह आपका आउटर सरफेस पर होता है तो वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोसोल रीजन में वह आपका ट्रांस मेम्ब्रेन होता है माने आपका इम्बेडेड होता है। तो अल्फा चेन वनली जो है कंटेन या ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन विच इज इनकोडेड बाई ए बी एंड सी जीन्स ग्रुप्ड एचएलए। एचएलए मतलब आपका ह्यूमन जो एमएससी है उसको एचएलए कहा जाता है, एच ह्यूमन लिकोसाइट्स एंटीजेंस। एंटीजन जो बाइंडिंग डोमेन अल्फा वन एंड अल्फा टू डोमेन, इसमें आपका अल्फा वन और अल्फा टू इसमें डोमेन्स होते हैं जो उसके बीच होते हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, लेकिन यहाँ पर अल्फा चेन और अल्फा जो होते हैं वह आपका अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री सब यूनिट में होते हैं तो आपका एंटीजन बाइंडिंग जो डोमेन होते हैं अल्फा वन एंड अल्फा टू डोमेन्स होते हैं। देखते हैं इसके मेन स्ट्रक्चर्स के रूप में, तो ये मेनली रूप से टू हेटरोडाइमर पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है अल्फा और दूसरा नाम है आपका बी टू माइक्रोग्लोबुलिन, और अल्फा चेन जो होते हैं आपका नॉन कोवेलेंटली आपका बी टू माइक्रोग्लोबुलिन से वह आपका जुड़ा होता है, और अल्फा चेन जो है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है मेनली रूप से जो आपका ए बी सी जीन्स ग्रुप एच एल ए को वह आपका कोड करता है। मेनली रूप से अल्फा चेन जो है कहने का मतलब है यहाँ पर एम एस सी के लिए उसी पर वह आपका जीन अरेंज होता है, अल्फा चेन पर ही एम एस सी को कोड करने वाले जीन्स आपका वो प्रेजेंट होते हैं, ये इसका कहने का अर्थ हुआ। लेकिन बीटा ग्लोबुलिन जो बी टू माइक्रोग्लोबुलिन है उस पर वह नहीं होता है। एंटीजन बाइंडिंग जो एंटीजन को बाइंडिंग करने वाला जो होता है उसका डोमेन है अल्फा वन एंड अल्फा टू डोमेन होता है, ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। मैंने रूप सब देखते हैं कि तो ये आपका जो है एम एस सी वन का जो है स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका ये इसमें मेनली रूप से ये अल्फा चेन हुआ, ये आपका बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन हुआ,
ये आपका 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। और ये जो रीजन होते हैं वो मेन रूप से ये साइटोसोल सॉलिड रीजन में जो है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, और इसी के जस्ट नीचे जो है आपका ये बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन होता है। और ये जो रीजन है अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये आपका एंटीजन बाइंडिंग डोमेन, बाइंडिंग डोमेन, ये आपका एंटीजन बाइंडिंग यह आपका डोमेन होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में भी इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये इस तरह से होते हैं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर्स है तो यह जो है आपका MHC1 का ये मैंने उसे फिगर यह शो कर रहा है इन ए शॉर्ट, वो उसी को यहाँ पर डिटेल में अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, ये अल्फा और ये आपका B2 माइक्रोग्लोबुलिन, यह हेटरोडाइमर्स, और यह जो है आपका अल्फा जो है एक नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड के द्वारा इससे जो है आपका ये जुड़ा रहता है बीटा माइक्रोग्लोबुलिन से, और अल्फा चेन जो होते हैं वो आपका साइटोसोलिक रीजन में आपका ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब आपका अंदर ये जो है सो घुसे होते हैं, लेकिन ये जो है सो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इसका जो है ये आपका सिंपल ये स्ट्रक्चर ऑफ MHC1। पाथवे ऑफ MHC1 का देख रहे हैं कि किस तरह से वह आपका एंटीजन्स को आपका MHC की मदद से आपका आउटर सरफेस पर शो केस की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब यहाँ पर जो एंटीजन्स हैं इंडोजीनसली जो होते हैं सेल मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो प्रोटीन्स बनते हैं वो आपका एंटीजन्स की भी तरह कार्य करते हैं शरीर के भीतरी भाग में। तो वैसे प्रोटीन इन साइटोसोल्स आर डिग्रेडेड बाय द प्रोटियोसोम्स, एक हमारे सेल्स में आपका प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी होती है जिसे आपका 26 प्रोटियोसोम्स होते हैं, और जिस प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन होना शुरू रहता है उसमें एक टैग लग जाता है जिसको यूबीक्यूटीन टैग लग जाती है, तो वो आपका समझा जाता है कि इसका डिग्रेडेशन होने वाला है। लिबरेटिंग वो आपका पेप्टाइड्स के रूप में, छोटे छोटे पेप्टाइड्स के रूप में जो है सो आपका बाहर निकलता है इंटरनलाइज्ड बाय टैप चैनल, एक आपका एक चैनल है जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण से जो है उसमें आपका प्रवेश करता है। दियर एसोसिएशन विथ MHC1 मॉलिक्यूल्स फ्रेशली सिंथिसाइज, वहाँ पर जो है MHC जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको सिंथिसाइज होता है MHC1। पेप्टाइड्स कॉम्प्लेक्सेस इंटर गोल्जी बॉडी, आपका ER से फिर गोल्जी बॉडी में जहाँ पर भी आपका ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं, फिर यहाँ से आपका डायग्राम के द्वारा देखते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नलाइज ऑन द सेल मेम्ब्रेन, और अंत में जो है आपका यह जो MHC आपका जो रिसेप्टर्स हैं वो आपका आउटर सरफेस पर वह आपका दिखाई पड़ता है इंटरैक्टिंग विथ टी लिम्फोसाइट, जहाँ पर आपका टी सेल से वह आपका इंटरैक्ट करता है, और टी सेल्स का आपका TCR जो होते हैं वो आपका MHC ये आपका शो केस कर रहा है इस तरह से, ये आपका एंटीजन को शो कर रहा है, ये आपका टी सेल है, टी सेल का ये रिसेप्टर्स हैं, ये आपका इस तरह से इंटरैक्ट करता है, और इस तरह से वो इंटरलीपिन आपका सेक्रेट होता है जिसके कारण जो है वो और आगे देखेंगे मेनली रूप से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किस तरह से होता है पैथोजेन, और ये जो है आपका मेनली रूप से कैसे इंटरेक्ट होता है वो और आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ MHC क्या है, किस तरह से आपका इंटरेक्ट कर रहा है टी सेल से और TC सेल से, साइटोटॉक्सिक सेल्स और टी हेल्पर सेल्स, तो ये यहाँ पर इस तरह से हुआ। यहाँ पर जो है मेनली रूप से जो पाथवे ऑफ MHC1 होता है वो इंडोजिनसली पाथवे होते हैं, इंडोजिनसली का मतलब ये रिकॉग्नाइज जो है मेनली रूप से जो है इंडोजिनस जो पैथोजेन होते हैं उसको वह रिकॉग्नाइज करता है मेनली रूप से।
तो यहाँ पर एमएससी फर्स्ट का जो है पाथवे देख रहे हैं, यह आपका एक न्यूक्लिएटेड सेल्स है जिसके आउटर सरफेस पर ये आपका एमएससी फर्स्ट आपका रिसेप्टर्स हैं जिस पर आपका पेप्टाइड्स हैं, मतलब ये एंटीजेंस का कुछ टूटा हुआ भाग या स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन जो पेप्टाइड के रूप में यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही बॉडी जो है आपका ये प्रोटीन्स को ये इनगल्प किया या फैगोसाइट्स किया, ये आपका एक प्रोटियोसोम्स आपका प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी होती है जो आपका 26S इस तरह से जो है इसका नाम प्रोटियोसोम्स होते हैं, जनरली जो है 26S प्रोटियोसोम्स होते हैं। और ये जो है प्रोटीन्स हैं वो आपका छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूटते हैं और ये पेप्टाइड एक टैग चैनल होते हैं जिसके माध्यम से यह जो है आपका यहाँ पर ये जो है आपका प्रवेश करता है और यहाँ पर न्यूली सिंथिसाइज्ड आपका एमएससी और यहाँ से फिर आपका गोल्जी बॉडी से सेक्रेटरी वेसिकल से और सेक्रेटरी वेसिकल से आपका आउटर सरफेस पर आपका पेप्टाइड्स ऑन एमएससी फर्स्ट टू शो केस की तरह वह कार्य करता है फॉर इंटरैक्ट विथ आपका टी सी सेल्स के द्वारा। यहाँ पर आपका ये टी सी सेल्स है यहाँ पर जिसमें CD8+ होगा और ये आपका टी सी सेल्स हुआ और इस पर जो है एक विशेष तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिसे आपका हम TCR बोलते हैं ATCR और इसके इंटरैक्ट होने के बाद ये जो है आपका इंटरल्यूकिन IL-7 IL-2 एक विशेष तरह के इसमें जो है आपका जो ये रिसीवर्स होते हैं इसके साथ और भी जो है दूसरे से विशेष तरह के CDR के द्वारा वो आपका जो है सो ये अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से इसका जो है आपका पाथवे ऑफ एमएससी क्लास 1 का मेनली रूप से हुआ पाथवे साइटोसोलिक पाथवे ऑफ एमएचसी फर्स्ट। तो इस तरह से जो है आपका एमएससी का आपका पाथवे हुआ इस तरह से जो है मेनली और यह जो है जनरली इंडोजीनसली यह आपका प्रोटीन्स को प्रोटीन प्रोटियोसोम्स में इसका डिग्रेडेशन होते हैं और जिस सेल के अंदर जो भी प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन होता है उसमें एक विशेष तरह के बोले कि यूबीक्यूटिन एक प्रोटीन्स होती है जिसका वह टैग लग जाता है जिससे वह आपका वह पता चल जाता है कि उस टैग लगने के बाद यूबीक्यूटिन कि वह आपका डिग्रेड होने वाला है। तो यह प्रोटियोसोम्स में डिग्रेड होकर के आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक टैप चैनल होते हैं जिसमें वह आपका प्रवेश करता है और वहीं पर आपका एमएससी रिसेप्टर्स जो हैं न्यूली सिंथेसाइज होते हैं जहां से ईआर से गोल्जी से सेक्रेटरी वेसिकल्स और फिर आउटर सरफेस पर आपका वह प्रेजेंट होता है विद आपका एंटीजेंस या और पेप्टाइड्स एंटीजेंस नहीं बोलेंगे एंटीजेंस का इन स्मॉल फॉर्म ऑफ इन पेप्टाइड एंटीजन का ही जो है छोटे रूप को पेप्टाइड बोलते हैं। तो पेप्टाइड ऑन एमएससी या फर्स्ट तो एमएससी फर्स्ट जो है आपका टीसी सेल्स से वह आपका इंटरेक्ट करता है। तो टीसी सेल्स क्या होते हैं उसमें आपका CD8+ रिसेप्टर्स होते हैं और इस तरह से जो है कोई भी सेल्स हैं कैंसर सेल्स हैं या और अन्य सेल्स होते हैं मेनली रूप से खास करके कैंसर सेल्स को ही आपका डिग्रेड कर देते हैं नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह के पाथवे को आपका साइटोसोलिक पाथवे ऑफ एमएससी फर्स्ट। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ एमएससी फर्स्ट के बारे में ही देखे और सेकेंड सेशन में अब हम लोग एमएससी सेकेंड या एमएससी क्लास 2 के बारे में देखेंगे। तो आज का सेशन हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के भी शेयर अवश्य करें और अंत में यह रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से जो है मेरा जो है
मोटिवेशन जो है और आगे बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप जो है इसी तरह के नए नए सेशंस लाने के लिए जो है, या नए नए सेशंस के लिए क्यूरियोसिटी जो है बनी रहती है। थैंक यू, गुड नाइट।